नमस्कार पायनियर, देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। 8 दिसंबर 2021 का वो दिन जब देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 और जवान इस देश को अलविदा कह गए। उस दिन 8 दिसंबर का वो दिन भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था, क्योंकि इतनी बड़ी जो क्षति भारत देश को हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सेक्टर 58 फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर शहीदी पार्क है। बोर्ड एक बार बोर्ड पे मैं नज़र डलवाना चाहूँगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 को जो बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक जब हुआ और हमारे देश के जो जवान वो शहीद हुए। आज हम इस पार्क में मौजूद हैं और विक्टोरिया टूल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शहीदों की याद में आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ और जो शहीद हुए उनकी याद में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं उन्हीं की याद में वो लगाए गए थे। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के प्रथम जो हमारे CDS बिपिन रावत हैं जो देश को अलविदा कह गए, शहीद हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में जो हेलीकॉप्टर, वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ और उस हादसे में जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए। आज विक्टोरिया टूल्स द्वारा आज यहाँ पर उन्हीं की याद में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हीं की याद में आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर आज जो गेस्ट आने वाले हैं, जो हमारे फरीदाबाद के कमिश्नर हैं विकास कुमार अरोड़ा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वृक्षारोपण तो हम करते ही हैं, वृक्षारोपण पिछली बार जब पुलवामा हुआ हमारे 40 जवान शहीद हो गए तो उस वक्त हमने सोचा हम वृक्षारोपण करते हैं, क्यों नहीं उनकी याद में हमारी जो पब्लिक है उनको उनकी ठंडी याद छाँव में बैठ सके और उनको याद कर सके। तो उस वक्त हमने ये पेड़ लगाए थे, उस वक्त 40 शहीद हुए थे तो पेड़ तो ज़्यादा लगाए थे, 100-200 लगाए थे फिर और सारी लोकेशनों में। तो फिर ये जब कांड हुआ तो एक तो ये है कि हमने उनको केयर करते हैं, यहाँ पर 15 लॉन हमने बना रखे हैं। तो फिर हमने सोचा ये रावत साहब का एक बहुत दुखद घटना हमारे देश के साथ घटी है जो कि अनसहनीय है, और जिनको देखा जाए तो इस उम्र के बाद तो ज़्यादा ही बंदा सहयोग कर सकता है, देश सेवा के में ज़्यादा खुल के आ सकता है। वो तो काम अपना कर रहे थे, अब उसके बाद उनके पास जो एक्सपीरियंस था वो मिलिट्री पैरामिलिट्री के लिए, और जो उन्होंने हमारे सामने एक रखा सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक रखी, जो कि मेरे ख्याल से अमेरिका के या इज़राइल के बाद हिंदुस्तान ने ही ऐसा कुछ करके दिखाया। बस आज हमारे को यहाँ पे सेक्टर 58 में एक पुलवामा शहीद पार्क है, जो पुलवामा में हमारे 2019 में जो वीर जवान शहीद हुए थे उनकी याद में इस पार्क में पेड़ लगाए गए थे और सबको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो आज यहाँ पे हमने जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और जनरल बिपिन रावत जी, चीफ कमांडर जो सारे तीनों फोर्सेस के थे, उनके श्रद्धांजलि में आ जाने का मौका मिला। सब मतलब ऐसा वीर सपूत जो हिंदुस्तान का हमने खोया है इस दुर्घटना में, तो उसके लिए सबका मतलब बहुत दुख है, लेकिन हम सब यही प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो सब लोग बाकी 12 लोग जो साथ में शहीद हुए हैं उनको भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। और यहाँ पे आज वृक्षारोपण भी सबने किया है उनके नाम का, तो इस लिए आज यहाँ पे आना हुआ। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे इतने मतलब लोग हमारे शहीदों को याद करते हैं और उनकी उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, उसी प्रेरणा के लिए इकट्ठे हुए हैं आज हम लेने के लिए। सर, विक्टोरिया ग्रुप ने इसको शहीद पार्क बना करके इसको मेंटेन, नहीं अच्छा है, जो भी पर्यावरण के लिए काम कर रहा है वो तो अच्छा काम कर ही रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और शहीदों की याद में अगर कुछ भी किया जा रहा है तो वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, चाहे विक्टोरिया ग्रुप हो, बांगा जी हों, भाटिया जी हों और RW हो, जितने भी यहाँ के हैं सब झाड़सेतली की, सबको हम यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। और जो लोग आए हुए हैं उन सबका भी बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत दुखद घटना हुई, इसके लिए हमें बहुत दुख है, पूरे देशवासियों को दुख है। सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको, कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में वास दे, वह उनके परिवार को ये दुख, परिवार को क्या, पूरे देश को ये दुख सहने की
शक्ति प्रदान करें। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के पहले CDS विपिन रावत जी इस हादसे का शिकार हो गए। ये इस क्षति को पूरी नहीं कर सकते हम लोग, हमारे देश के लिए बहुत भारी क्षति है। उनकी श्रद्धांजलि में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे पूरी आडोलू है जाट क्षेत्र, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पहले बहुत सारे पार्क भी बनाए हुए हैं, लगभग 15 पार्क हमारे पास में, 25,000 पेड़ लगाए हुए हैं, उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में, यादगार हमेशा अमर रहे, इसलिए हम कुछ पौधे उनकी याद में यहाँ लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैम, जो ये हादसा हुआ है, जो इससे पूरा देश बहुत ही दुखी है और स्तब्ध है कि भाई ये कैसे हो गया। जो हमारे CDS विपिन रावत जी थे, जनरल विपिन रावत, उन्होंने देश की सेवा करते हुए सारी सेनाओं को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, तीनों सेनाओं को, और एक थिएटरी कमांड जो बना रहे थे तीनों सेनाओं को मिलकर के, वो एक बहुत बड़ा उनका अभियान था जिससे देश की और हमारी सेनाओं की और शक्ति बढ़ती। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तो वो उनके दो बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे जिनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, प्लानिंग थी। इन सब के को देखते हुए हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि हमने आज उनको खो दिया है। जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इस मौके पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, इसके बारे में। उनकी याद में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम इस पार्क के अंदर, जो शहीदी पार्क है जो पुलवामा के टाइम पर बनाया गया था, इसमें हम वृक्षारोपण करेंगे और उनकी याद में ये स्मृति चिन्ह हम लगाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ ऐसे काम थे जो उन्होंने उन्हें करने थे जो बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण, तो अब क्या उन पर क्या चीज़ें रहने वाली है कि किस तरीके से वो काम है हो पाए? उनकी कमी तो हमेशा हमें खलती रहेगी, लेकिन हमारे डिफेंस में ये है कि द शो मस्ट गो ऑन, कोई ना कोई उनकी जगह पर लेगा, जो नए CDS बनेंगे और जो उनके अधूरे कार्य थे उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे उदासी है, क्योंकि देश के प्रथम जो CDS विपिन रावत जी है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि कितने काम उन्हें अभी बाकी करने थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनकी कमी कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी खलेगी। लेकिन जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी याद हमेशा ताज़ा रहे। इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं और आज उन्हीं की याद में यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हादसे में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, पायनियर हरियाणा भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए पायनियर के साथ।